हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 16 देखो क्या कह रहा है। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर भी इंटीग्रेट, बस आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी देखनी है। यहाँ पर ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म याद करो आप किस तरीके से पढ़ी थी अपने, और नीचे देखो एक्स क्यूब है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का रूप है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द गिवन इज अ प्रॉपर रैशनल नंबर। ठीक है सर, अब प्रॉपर रैशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स। तो समझ में आया, यहां क्या करना होता है आपको सिंपली कि ये जो फॉर्म दिख रही है आपको, इस फॉर्म के अंदर a अपॉन एक्स प्लस वन और यहाँ पर एक x के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर बी एक्स लेना पड़ता है। ठीक है, ये तरीका है इसका। अब मेरे को कंपेयर करता हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वन बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा आपके पास, इधर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको ओपन करो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो बी एक्स स्क्वायर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो टू बी एक्स, फिर सी से करो सी एक्स फिर टू सी। कंपेयर करना है आपको वैल्यूज को। ठीक है, तो इक्वेटिंग द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स इक्वल। अब देखो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू अगर देखोगे तो ये और ये दोनों है, तो क्या मैं ए प्लस बी इक्वल्स टू वन लिख सकता हूँ क्या? देखो क्या किया मैंने, सिंपल इन दोनों में से कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर को, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, वन है। आ जाओ इस पर, इन दोनों को देखो, इसको देखो और इसको देखो, यहां पर कंपेयर करो तो टू बी प्लस सी, टू बी प्लस सी इधर से कंपेयर करोगे इसका कॉफिशियंट को एक्स के साथ तो ये है वन, तो टू बी प्लस सी इक्वल टू वन हो गया। क्या सर, अब बचा कॉन्स्टेंट वाला ए प्लस टू सी इक्वल टू वन, मतलब समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आ गया सर। तो ये हो गया आपके पास कॉन्स्टेंट वाला। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास आएगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसको। तीन इक्वेशन लिख रहा हूं पहले मैं, बी इक्वल्स टू वन है एक तो, टू बी प्लस सी ए प्लस टू सी। ठीक है, ये हो गए तीन इक्वेशन आपके पास। ठीक है सर, अब कैसे सॉल्व करना है ए का वैल्यू का, अगर मैं यहां पे बी वैल्यू लिख देता हूं दोनों कंपेयर हो सकते हैं। ठीक है सर, ये तीन इक्वेशन है, एक दो और तीन। ठीक है, कंपेयर कैसे करना है, या तो ए का वैल्यू इसमें रख दो, मतलब बी का वैल्यू इसमें रख दो, या ए का वैल्यू इसमें रख दो, कोई भी एक है ना। अगर मैं यहां से ए इक्वल्स टू बनाऊं, देखो वन माइनस बी होगा, इसको मैं पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देता हूँ इसको, इस वाले थर्ड में ना। देखो थर्ड में ए की जगह आ गया वन माइनस बी, यहां पर देखो इस ए की जगह वन माइनस बी हुआ, वन से वन कैंसिल आउट हुआ, बी माइनस बी प्लस टू सी, तो ये हो गया माइनस का बी, तो मैं इनको आगे पीछे लिख सकता हूँ चाहो तो, माइनस बी प्लस का टू सी इक्वल्स टू जीरो। इसको मैं फोर्थ इक्वेशन नेम दे रहा हूँ। अब देखो आप इन दोनों इक्वेशनों को, सेकंड को देखो, इन दोनों में बी और सी, बी और सी दोनों है ना। हाँ सर, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनको मल्टीप्लाई बाय टू कर लेता हूँ इक्वेशन फोर को, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूँ, एलिमिनेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन फोर बाय टू। इसको करोगे तो माइनस का टू भी हो जाएगा, टू टू सा फोर सी हो जाएगा जीरो। इस इक्वेशन को फिफ्थ नेमिंग दे दो। अब आप कर दो ऐड इक्वेशन सेकंड एंड फिफ्थ, देखो टू बी प्लस सी इक्वल्स टू वन, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, फोर सी और ये कितना हो गया फाइव सी इक्वल्स टू वन। तो आपने क्या निकाला, देखो यहाँ सी इक्वल्स टू वन बाय फाइव आया क्या? बिल्कुल आया सर। अब इस सी इक्वल्स टू वन बाय फाइव जो है इसको मैं कहाँ पुट कर सकता हूँ, इक्वेशन सेकंड में कर लो, फोर्थ में कर लो, फिफ्थ में कर लो, सब एक इक्वेशन है एक तरीके से। सी इक्वल्स टू वन बाय फाइव
पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट करो 2b प्लस c की वैल्यू कितनी है 1/5 इक्वल्स टू 1, उधर भेजो 1 माइनस 1/5, 5 माइनस 1 4/5, 2 से कट जाएगा 2 टाइम, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2/5। ठीक है सर, अब क्या करें, b इक्वल्स टू 2/5 पुट इन इक्वेशन 1, 1 दिख रही है आपको, a प्लस b की जगह आया 2/5 इक्वल्स टू 1, a का वैल्यू 1 माइनस 2/5, 5 और ये 3/5। अब आप देखो, a को देखो, b को देखो, c को देखो, तीनों वैल्यू आ गए आपके पास। ठीक है, अब इनको कहाँ पुट करना है देखो, एक बार नेक्स्ट वाले स्लाइड पे एक बार कॉपी कर लेना, एक बार पॉज करके। ठीक है, फिर मैं पीछे दिखा रहा हूँ आपको इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन की जगह ये वाली वैल्यू आ सकती है ना, आंसर आ सकती है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, ऑन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या वैल्यू है ये, ए अपॉन एक्स प्लस टू। अब देखो ए का वैल्यू कितना है मेरे पास 3/5, फिर है मेरे पास बी एक्स प्लस सी, देखो ये है बी एक्स प्लस सी। अब देखो बी का वैल्यू देखो 2/5 x, सी का वैल्यू कितना है 1/5, और नीचे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है, अब मैं इनको सेपरेट कर सकता हूँ थोड़ा सा, देखना अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन का ऑन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स का, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट 3/5 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू होगा, प्लस इसको सेपरेट करो 2/5 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स होगा ये, और ये 1/5 इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन हो। तो समझ में आया क्या? केवल इस वाली वैल्यू को देखो, इस वाली वैल्यू में एक्स स्क्वायर प्लस वन को लेट कर रहा हूं, इनको आप आइडेंटिटी मानो, एक काम करो सेपरेट करके करते हैं तीनों का ना, वरना फिर वो सी में दिक्कत आएगी। इसको मैं आई वन मान लेता हूँ, इसको मैं आई टू मान लेता हूँ, और इसको मैं आई थ्री मान लेता हूँ। देखो आई वन तो बिल्कुल आसान है, 3/5 इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू है, कितना हो जाएगा ये लॉग एक्स प्लस टू हो जाएगा इसका आंसर। तो आई टू देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, यहाँ आप लेट करो टी 2x.dx, यहाँ पे प्लस का सी वन ले लेना ना, इक्वल्स टू डी टी। अब ऊपर देखो एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाय टू है, पहले ये देखना फिर ये देखना फिर ये देखना फिर ये देखना, ऐसे करना है इसको ना। तो ऊपर रिप्लेस कर दूं मैं, तो देखो आई टू क्या हो गया, एक्स डॉट डी एक्स की जगह डी टी बाय टू, और ये एक्स का प्लस टी, और ये डी टी बाय टू। ठीक है सर, अब आई टू कितना बचेगा, ये टू से ये टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल 1/t बचा, और इंटीग्रेट डी टी अपॉन टी, तो देखो कितना हुआ 1/t log t प्लस सी टू, इसकी वैल्यू 1/t log t की वैल्यू कितनी है, ये लो ये आई टू की वैल्यू आ गई, ये आई वन की वैल्यू आ गई, ये आई टू की आ गई, लास्ट बच गया आपके पास आई थ्री। ठीक है, आई थ्री कितना है देखो 1/5 इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, पता है इसका क्या होगा, याद आया कोई फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, क्या होता है बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 1/a टैन इनवर्स एक्स बाय 1/a, तो a का वैल्यू तो कुछ होता नहीं है, तो मैं डायरेक्टली टैन इनवर्स एक्स प्लस सी थ्री लिख देता हूँ आई थ्री की वैल्यू। बताओ समझ में आई क्या? हाँ सर आ गई। करना क्या है आपको, सिंपली इन तीनों को एक साथ लिख देना है, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, इन तीनों को मिला के सी लिख दिया मैंने। अब आप लिख दो आप इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन जो चल रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इक्वल्स क्या होगा, पहले तो आई वन लिखेंगे अपन, 3/5 log x प्लस टू, फिर आई टू लिखेंगे 1/5 log x स्क्वायर प्लस वन,
फिर लिखेंगे 1/5 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। बताओ समझ में आया क्या? बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा फोकस करना है आपको। लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट कर देता हूं मैं। क्लियर है यहां तक? तो देखो ये 3/5 लॉग एक्स प्लस टू, प्लस में C1 था, C2 था, C3, तीनों को मिला के एक बार लिख दिया। क्लियर हुआ है यहां तक? और देख लो कोई वैल्यूज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? नहीं सर, ये 2/2 कट गया, 1/5, 3/5, ठीक है, क्लियर है। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया है। आप ऊपर थोड़ी सी नजर दौड़ाओगे आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, हम एक्सरसाइज 7.5 पे बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ तक आप समझ जाना, एग्जाम्पल्स अगर आपने सीख लिया तो मान के चलो एक्सरसाइज बुक को बहुत ईजी लगे। मैं फिर कहूंगा आप लोग एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है ना, पहले एक बार खुद से ट्राई करना, जब डाउट लगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके आगे सीन करना। आप डायरेक्टली देखते रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा आपको कितना सीखा एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल का मतलब ये होता है कि आपको बेसिक आइडिया लग जाए चैप्टर का, फिर आप सेल्फ से खुद से करो चीजों को, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ आप सेल्फ खुद से ट्राई करो। क्लियर है? ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 16 कंप्लीटेड।